हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से ट्रैवल यात्रा में। ये मेरे चेन्नई टूर सीरीज का आई थिंक 10वां या 11वां वीडियो है। तो इससे पहले मैंने चेन्नई टूर सीरीज के बारे में सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी है कि एक दिन का अगर आपको ट्रिप करना है कैसे जाना है, 3 दिन का ट्रिप कैसे करना है, बेस्ट मॉल्स कहाँ पर है, बेस्ट होटल्स कौन से हैं, डिवोशनल प्लेसेस, बेस्ट पार्क्स, मार्केट्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, नियर बाई प्लेसेस, ये सारी चीज़ें मैंने 8-9 वीडियोस में छोटे छोटे पार्ट में बना रखे हैं। तो जाके आप इन्हें चेक कर लीजिए। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि चेन्नई में बेस्ट फूड ऑप्शंस आपको कहाँ कहाँ पर मिल सकते हैं। तो चेन्नई में अगर बेस्ट फूड की बात करूँ तो यहाँ पर बेसिकली साउथ इंडियन मील्स या साउथ इंडियन फूड ही है, ऐसा लोगों का परसेप्शन है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको हर तरह का खाना मिल जाएगा, हर तरह के फूड ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको नॉर्थ इंडियन चाहिए, नॉर्थ इंडियन बिरयानीज, देन उसके बाद जैन फूड्स, या फिर वेज, नॉन वेज, या फिर हर तरह के आपको यहाँ पर चेन्नई में ऑप्शन मिल जाएंगे। और यहाँ पर अगर नाइट लाइफ की बात करें तो बॉम्बे दिल्ली जैसा उतना नहीं है, बट यस देर आर सम ऑप्शंस दैट आई विल एक्सप्लेन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो चलिए फिर बिना कोई देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं और देख लेते हैं चेन्नई में हर एक कॉर्नर में, हर एक एरिया के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हर एक एरिया में बेस्ट फूड के लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। तो सबसे पहले प्योर वेज कैटेगरी के जो होटल्स हैं उन्हें हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली आप देखेंगे जो भी होटल्स का नाम भवन से एंड होता है तो ये सारे मोस्टली 100% प्योर वेजिटेरियन होटल्स होते हैं। तो इसमें जो चेन होटल्स है उसका मैं नाम लेना चाहूँगा। इसमें सबसे पहला नाम आता है अडयार आनंद भवन और सरवना भवन का। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसे A2B कहा जाता है शॉर्ट में, और जिसका फुल फॉर्म है अडयार आनंद भवन। बट अभी इसके मल्टीपल आउटलेट्स है ऑल ओवर चेन्नई में। आई थिंक आपको 100 से भी ज़्यादा आउटलेट्स मिल जाएंगे ऑल ओवर चेन्नई में, मैंने काउंट तो नहीं किया। महाबलीपुरम, पौंडीचेरी, बैंगलोर वगैरह में भी आपको मिल जाएंगे, और आउट ऑफ कंट्री जैसे सिंगापुर वगैरह में मैंने देखा है कि इनके एक आध आउटलेट्स वहाँ पर भी है। तो आप जहाँ पर भी स्टे कर रहे हैं, आपको अगर एक प्योर वेज ब्रेकफास्ट करना हो, या फिर लंच करना हो, या फिर डिनर करना हो, चाहे साउथ इंडियन ऑप्शन लेना हो या नॉर्थ इंडियन ऑप्शन लेना हो प्योर वेज कैटेगरी में, आप अपने आसपास जस्ट गूगल में सर्च कीजिए A2B नियर मी या फिर अडयार आनंद भवन नियर मी। अगर वो एक प्रोमिनेंट लोकेशन है तो 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपको आधा एक किलोमीटर के अंदर ही एक ना एक अडयार आनंद भवन आपको मिल जाएगा। आप जस्ट सर्च कीजिए, आपको पता लग जाएगा। इसके बाद अगला नाम है सरवना भवन। सरवना भवन भी काफी पुराना चेन रेस्टोरेंट कैटेगरी का होटल है, और इनके भी 100-200 होटल्स होंगे ऑल ओवर चेन्नई में, और ये भी इक्वली ऑलमोस्ट A2B जैसा ही इसके ब्रांचेस पूरे चेन्नई में फैले हुए हैं। और प्लस आउटसाइड जैसे मैंने सिंगापुर वगैरह में कहा था, वहां पे A2B के साथ साथ सरवना भवन के भी काफी सारे ब्रांचेस है। दिल्ली में आपको CP में मिल जाएगा सरवना भवन का एक ब्रांच, जहां मैं एक बार बहुत दिन पहले गया था तो मुझे याद आ रहा है। इसके अलावा प्योर वेज कैटेगरी में एक दो और नाम है जिसमें आता है ये संगीता भवन, देन उसके बाद है श्री कृष्णा स्वीट्स। एक्चुअली ये स्वीट्स वगैरह से स्टार्ट किए थे, बट अभी इनके कुछ जो बड़े आउटलेट्स हैं यहाँ पर आपको फूड ऑप्शंस जैसे डिनर लंच के ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे। अडयार आनंद भवन वगैरह में अगर मैं फूड कॉस्ट की बात करूँ तो आप देख सकते हैं ये मिनी लंच जो है 110 रुपीज में आता है, तो ये आप ले सकते हैं। उसके बाद साउथ इंडियन मील्स अगर आप देखें तो 125 रुपीज में है, देन साउथ इंडियन स्पेशल थाली है 175 रुपीज में, और इसके बाद अगर आप नॉर्थ इंडियन स्पेशल थाली देखते हैं तो दैट इज कमिंग अराउंड 185 रुपीज। तो अप्रोक्सीमेटली सरवना भवन, श्री कृष्णा स्वीट्स, A2B, ये सब का यही प्राइस रेंज रहता है। अब इसके अलावा जो इंडिविजुअल रेस्टोरेंट्स होते हैं इनका भी अगर मैं नाम लेना चाहूँ प्योर वेज कैटेगरी में, एक प्रीमियम लेवल में डिसेंट रेट में जो आपको मतलब वेज कैटेगरी का फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, उसमें एक नाम है होटल अक्षय प्योर वेज। तो इसके एक या दो ही ब्रांच है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो दोपहर का मील्स होता है 110 रुपीज, आई थिंक 110 रुपीज में साउथ इंडियन मील्स आपको मिल सकता है। इसके बाद एक और नाम लेना चाहूंगा ये रेखा मिठाई का, ये आइनावरम वाले एरिया में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा बफे स्टाइल में अनलिमिटेड प्योर वेज जैन फूड मिल जाएगा आपको सिर्फ और सिर्फ 160 रुपीज में। ये मैं आपको इसका प्राइसिंग मेनू दिखा रहा हूँ। इसमें आपको एक पनीर का ग्रेवी, साथ में 2-3 वैरायटी के दाल वगैरह, और बाकी और जो भी स्टफ्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये सारी चीजें आपको अनलिमिटेड घी लगी हुई फुलके रोटी के साथ आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 160 रुपीज में, वो भी टोटली अनलिमिटेड। तो आप इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट को भी विजिट कर सकते हैं। इसका मल्टीपल आउटलेट नहीं है, ये एक ही जगह में अवेलेबल है। इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा।
अब इसके बाद थोड़े एलिट कैटेगरी में अगर मैं जाऊं प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में, थोड़ा प्रीमियम लेवल पे अगर जाना चाहे तो एगमोर में आपको मिल जाएगा ये अन्ना लक्ष्मी रेस्टोरेंट, यहाँ आप जा सकते हैं। प्रीमियम लेवल के प्योर वेजिटेरियन फाइन डाइन रेस्टोरेंट है ये। इसके बाद आप जा सकते हैं क्रीम्स में, क्रीम्स भी एक प्योर वेजिटेरियन काफी अच्छा फाइन डाइन रेस्टोरेंट है। देन नेक्स्ट यू कैन गो टू दिस उत्सव रेस्टोरेंट इन वीआर मॉल, यहाँ आपको एक बढ़िया राजस्थानी एंड गुजराती थाली मिल जाएगा जिसका यूं तो कॉस्ट होता है वीकेंड में 599 और वीकडेज में 499 रुपीस का, बट अगर आप ट्यूसडे को जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक लैविश थाली मिल सकती है ओनली फॉर 299 रुपीस पर पर्सन इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग। तो इस तरीके से नोट कर सकते हैं आप इन सब वेज रेस्टोरेंट्स को ऑल ओवर द चेन्नई, जहाँ पर भी आप रहते हैं जस्ट सर्च कीजिए और एक प्योर वेजिटेरियन फूड यहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं। अब देख लेते हैं बिरयानी लवर्स के लिए चेन्नई में क्या क्या बेस्ट ऑप्शंस हैं। तो अगर आप बिरयानी की बात करें तो हैदराबाद में जैसे पैराडाइज बिरयानी है, इसका यहाँ पर भी कुछ आउटलेट्स है चेन्नई में, बट इससे अगर बेटर ऑप्शन मैं बताऊं तो यहाँ पर दो तीन नाम लेना चाहूंगा, जिसमें सबसे पहला नाम आता है ये या मोहिद्दीन बिरयानी। तो या मोहिद्दीन बिरयानी के अप्रोक्सीमेटली 10-15 आउटलेट्स तो आई थिंक है चेन्नई में, जहां तक मेरे को आइडिया है। तो आप देख लीजिए अगर आप किसी एरिया में है उसके आसपास अगर आपको या मोहिद्दीन बिरयानी का ये पर्टिकुलर नाम दिखता है तो यहाँ पर आप जा सकते हैं एक बहुत अच्छा बिरयानी एक्सपीरियंस के लिए। इसके बाद अगला नाम आता है ये एसएस बिरयानी का। एसएस बिरयानी के भी काफी सारे आउटलेट है, इसके आई थिंक 40-50 आउटलेट होंगे ऑल ओवर चेन्नई में। एंड देन थर्ड नाम है सुक्कू भाई बिरयानी, इसके भी कुछ आउटलेट्स है ऑल ओवर चेन्नई में, तो सुक्कू भाई बिरयानी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर थोड़ा एलिट कैटेगरी में अगर आप जाना चाहते हैं तो बिरयानी के ऑप्शन में आपको मिल जाता है ये द वेडिंग बिरयानी। द वेडिंग बिरयानी के सेलेक्टेड आउटलेट्स है ऑल ओवर चेन्नई में, बट यहाँ पर आपको एक प्रीमियम कैटेगरी का बिरयानी खाने का एक्सपीरियंस मिलेगा और ये जो पार्सल वगैरह बना के देते हैं ये भी काफी अट्रैक्टिव पैकिंग के साथ आता है। द वेडिंग बिरयानी का जब बात निकला है तो मैं आपको जस्ट बताना नहीं दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास कल ही इसका एक मैंने ये पार्सल मंगवाया था, तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके का पैकेजिंग में आता है और ये है द वेडिंग बिरयानी। तो जस्ट ये मेरे पास था तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं ये अगर मैं ओपन करूँ तो ये कुछ इस तरीके का इनका बिरयानी का जो बॉक्स आता है, ये तीन के बॉक्स में कुछ इस तरीके से देते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपको एक स्पेशल स्वीट, फिर स्पेशल ब्रेड हलवा, देन कर्ड रायता, देन एन्नई कतरी का मतलब एक अलग सा एक ग्रेवी जैसा रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें ये बैठा के छोटे छोटे कटोरी में और प्लस बीच में एक टिन के डब्बे में पूरा बिरयानी भर के आपको ये प्रोवाइड किया जाता है। तो ये वेडिंग बिरयानी का जो टेकअवे ऑप्शन है, अगर आप पार्सल वगैरह लेते हैं तो आपको इस तरीके का पैकेजिंग के साथ वो दिया जाता है। तो ये कुछ फेमस आउटलेट्स है ऑल ओवर द सिटी फॉर बिरयानी। और यहाँ पर जो प्राइस रेंज है ये अगर मैं एसएस बिरयानी की बात करूँ तो आई थिंक चिकन बिरयानी इनका स्टार्ट होता है 200-250 के रेंज से, उसके बाद मटन बिरयानी 300-350 और वेज बिरयानी इससे थोड़ा कम रहता है। अब इसके अलावा अगर आप स्ट्रीट में जो छोटे छोटे बिरयानी के शॉप्स होते हैं उनके भी बिरयानीज काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं जैसे दिल्ली वगैरह में बिरयानी शॉप्स की एक अलग पहचान होती है, वो इस तरह का के गोल गोल मटके रखते हैं बाहर जिससे आपको पता चलता है कि बिरयानी है इनके पास। और कलकत्ता अगर आप जाए तो वहाँ आपको ये बड़े बड़े पतीले पे रेड कलर के कपड़े लगा के रखते हैं, तो इस तरीके के शॉप्स में आपको पता रहता है कि बिरयानी है। इसी तरीके से चेन्नई में अगर छोटे वाले शॉप्स में बिरयानी कहाँ मिलता है ये आपको जानना है तो यहाँ पे जो बिरयानी शॉप से इनकी पहचान होती है ये बड़े से अल्मोनियम शेप का भगोना जो ये एकदम दुकान के सामने रख देते हैं। इस तरीके का अगर आपको एक बड़ा सा भगोना दिख जाए किसी शॉप के सामने तो आप समझ लीजिए यहाँ पर आपको बिरयानी मिल सकती है। और इन सब छोटे वाले दुकानों में मैं आपको बिरयानी का जो प्राइस रेंज है वो भी बता दूं, 80-90-100 रुपये से इनका बिरयानी स्टार्ट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 110-120 रुपये तक इनका पर प्लेट बिरयानी का कॉस्ट जाता है, चिकन बिरयानी की बात कर रहा हूँ मैं। अब इसमें अगर मटन बिरयानी की आप बात करें तो मे बी 50-80 रुपया ज़्यादा रहता है, वेज बिरयानी की बात करें तो 30-40 रुपया कम रहता है। तो इस तरीके से आप छोटे वाले दुकान में भी बहुत अच्छा बिरयानी एक्सपीरियंस कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके के बड़े वाले चेन रेस्टोरेंट्स में जाकर वहाँ पर भी बिरयानी एंजॉय कर सकते हैं।
अब इसके बाद बारबेक्यू वगैरह के ऑप्शन अगर देखें, अनलिमिटेड बारबेक्यूज वगैरह जैसे होते हैं ऑल ओवर इंडिया में, आपको बारबेक्यू नेशन मिलता है, यहाँ पर भी आपको बारबेक्यू नेशन आई थिंक 7-8 आउटलेट तो आपको मिल ही जाएंगे पूरे सिटी में। देन कोल बारबेक्यू के काफी ऑप्शन है ECR में, OMR रोड में, माउंट रोड में, टी नगर में आपको इस तरह के कोल बारबेक्यू के ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके बाद अगला है ये सीगरी का भी काफी अच्छा नाम है पूरे चेन्नई में। देन यहाँ के कुछ लोकल अनलिमिटेड बारबेक्यू के चेन रेस्टोरेंट्स भी है, जिसमें ये है एब्सोल्यूट बारबेक्यू, देन उसके बाद आता है ये स्मोक हब बारबेक्यू, तो इनके भी मल्टीपल आउटलेट्स हैं ऑल ओवर चेन्नई में। तो आप जस्ट सर्च कीजिए गूगल में स्मोक हब बारबेक्यू या फिर एब्सोल्यूट बारबेक्यू, तो आपको दिख जाएगा इसके कहाँ कहाँ पर ब्रांचेस वगैरह है। और इसके अलावा मल्टीपल आउटलेट्स तो नहीं, सिंगल आउटलेट्स बोल सकते हैं, इस तरह के भी काफी सारे ऑप्शंस हैं ऑल ओवर चेन्नई में फॉर बारबेक्यू, जिसमें ये है एक ग्रिल बॉक्स, ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है, देन बारबेक्यू हट, देन बारबेक्यू मास्टर, देन फ्लेम बारबेक्यू। तो अगर आपको एक बारबेक्यू ऑप्शन ट्राई करना है पूरे चेन्नई में, तो ये कुछ ऑप्शंस हैं आपके सामने जहां आप जा सकते हैं और एक अच्छा बारबेक्यू स्टाइल में डिनर या फिर लंच ट्राई कर सकते हैं। अब इसके बाद जो फेमस स्वीट्स हैं इनकी अगर मैं बात करूं, तो साउथ इंडिया में भी आपको बहुत अच्छे फेमस स्वीट्स के शॉप्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें मैंने जो अडयार आनंद भवन और सरवना भवन और श्री कृष्णा स्वीट्स मैंने पहले वेज कैटेगरी के होटल में आपको बताया था, यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे स्वीट के ऑप्शन मिल जाएंगे। देन अगला नाम है ये अजनबी स्वीट्स, अजनबी स्वीट्स के भी मल्टीपल आउटलेट्स है ऑल ओवर चेन्नई में। इसके बाद अगला नाम है काकादा राम प्रसाद सौकारपेट वाले एरिया में है और ये बहुत ही फेमस है स्वीट्स वगैरह के लिए। तो इस तरीके से ये कुछ 4-5 नाम मैं मेंशन कर रहा हूँ मेरे स्क्रीन पर, और इसके अलावा भी आपको बहुत सारे स्वीट्स के स्टॉल मिल जाएंगे। और साउथ इंडिया का अगर फेमस स्वीट की बात करूँ, तो यहाँ पर आप अगर आते हैं तो ये मैसूर पाक जरूर ट्राई कीजिएगा। मैसूर पाक यहाँ का एक फेमस मिठाई है जो आपको नॉर्थ में नहीं मिलता है, मतलब नॉर्थ में मिल तो जाता है लेकिन ये है साउथ का मिठाई, तो इसे आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, आपको एक यूनिक फ्लेवर आएगा, यूनिक टेस्ट आएगा इस पर्टिकुलर स्वीट में अगर आपने ये पहले ट्राई नहीं किया है तो। अब इसके बाद सुबह सुबह अगर आपको चाय वगैरह पीना है, यूं तो आपको हर गली हर नुक्कड़ पे एक टपरी चाय वाले दिख जाएंगे, तो वहां पर तो आप जा ही सकते हैं, बट आप जब नए होते हैं किसी सिटी में तो आपको पता नहीं होता कि कौन सा चाय वाला अच्छा है कौन सा चाय वाला अच्छा नहीं है, तो अगर आप गलत चाय वाले दुकान में चले जाते हैं तो समटाइम आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस हो सकता है चाय के मामले में भी। तो इसके लिए अगर आपको यूनिफॉर्म टेस्ट चाहिए तो यू कैन जस्ट विजिट दिस टाइप ऑफ टी टाइम आउटलेट्स, ये आपको पूरे चेन्नई में छोटे छोटे आउटलेट बहुत जगह में आपको देखने को मिल जाएंगे। आप देख लीजिए पर्टिकुलर लोगो, ये इसका लोगो है, तो यहाँ पर आपको 10 रुपये में नहीं 12 रुपये में आपको चाय मिलेगी, ये भी 10 रुपये का हुआ करता था, अभी रिसेंटली इसका रेट 2 रुपया बढ़ा दिया गया है, जबकि जो टपरी के छोटे दुकानों के चाय होते हैं वो 10 रुपये में आपको मिल जाएंगे, बट यहाँ पर आपको 2 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा, बट यहाँ का जो टेस्ट है वो आपको यूनिफॉर्म मिलेगा। अब इसके अलावा भी चाय के मामले में और काफी सारे चेन आउटलेट्स है, जिसमें चाय किंग्स है, चाय किंग्स भी आप विजिट कर सकते हैं। और हाँ, आप अडयार आनंद भवन, सरवना भवन और इस तरह के भवन्स में भी एक प्रीमियम कैटेगरी का चाय ट्राई कर सकते हैं, ये 10-12 रुपये में नहीं रहेगा, अप्रॉक्सीमेटली 25-30 रुपये इसका कॉस्ट रहेगा, बट यहाँ पर अगर आप चाय ट्राई करते हैं आपको एक यूनिक इस तरीके के स्टाइल में चाय मिलेगा। और जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दूं कि इसमें ये जो शुगर है ये अंदर डाल के छोड़ दिया जाता है, इसे मिक्स नहीं किया जाता, तो आप पहले ही अगर बिना मिक्स के इसका सिप लेते हैं तो आपको एकदम फीका लगेगा, और आप अलग से फिर शुगर मंगा के अगर उसमें डलवा दिए उसके बाद आपने मिक्स किया तो नीचे जो बचा शुगर है और आपने एक्स्ट्रा शुगर डाला सब एक साथ मिक्स होके चाय एक्सट्रीमली स्वीट हो जाएगा। तो मेक श्योर अगर आपको कहीं पे इस तरीके के स्टाइल में चाय मिलता है तो इसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिक्स करना होता है, वो कटोरी में वो ग्लास से चाय को डाल के पूरा अच्छे से इसको मिक्स करना होता है, देन ओनली यू हैव टू ड्रिंक दिस पर्टिकुलर टी। तो ये यहाँ का साउथ इंडियन स्टाइल है। तो इस तरीके से आप A2B या फिर सरवना भवन, श्री कृष्णा स्वीट्स वगैरह में अगर आप चाय लेते हैं तो आपको इसी तरीके से वो ट्रम्बलर और वो बाउल में मिलेगा, कहीं पे कॉपर के होते हैं या फिर कहीं पे स्टील के भी होते हैं, बट यू हैव टू मिक्स इट प्रॉपरली एंड डोंट आस्क फॉर शुगर विदाउट मिक्सिंग। मिक्सिंग करने के बाद भी अगर आपको शुगर कम लगे देन यू कैन आस्क, अदरवाइज आप एक्स्ट्रा चीनी अगर पहले ही डाल दिए बिना मिक्स किए तो ये आपके लिए एक डिजास्टर एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ चाय के आउटलेट्स है जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं फॉर अ गुड टी एक्सपीरियंस। अब इसके बाद अगर एक प्योर नॉनवेज टाइप का अगर आपको मील्स चाहिए तो उसके लिए बुहारी रेस्टोरेंट्स है यहाँ पर, बुहारी नाम का रेस्टोरेंट आपको काफ़ी जगह मिल जाएगा, जूनियर कुपन्ना है, उसके बाद और भी बहुत सारे आउटलेट्स हैं, तो यहाँ पर मैं कुछ लिस्ट आपको दिखा दे रहा हूँ
तो इन सब रेस्टोरेंट्स में आप जा सकते हैं। इनमें से कुछ चेन रेस्टोरेंट्स हैं ऑल ओवर चेन्नई में, इनके ब्रांचेस हैं, कुछ यूनिक रेस्टोरेंट्स भी है। जो सारे रेस्टोरेंट्स हैं और सारे लोकेशन हैं उनके नाम मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो अब कैटेगरी स्पेसिफिक फूड्स तो हमने देख लिया, जैसे बिरयानी कहाँ मिल सकता है, बारबेक्यू कहाँ मिल सकता है, देन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। अब इसके बाद हम कुछ एरिया स्पेसिफिक रेस्टोरेंट भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर आप अपने टूर में टी नगर वगैरह विजिट करते हैं शॉपिंग वगैरह के लिए, तो यहाँ पर आप इस पनगल पार्क के पास एक तट्टी इडली बोल के एक शॉप है, ये स्ट्रीट फूड है, शाम के 5-6 बजे के बाद ही आपको ये मिलेगा। यहाँ पर आप जा सकते हैं एक बजटेड तरीके से, कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से, वेज एंड नॉन वेज टाइप के यहाँ पर काफी सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको ए टू बी सरवना भवन, जितने भी मैंने आपको नाम बताए हैं बारबेक्यू के हो गए या बिरयानी के हो गए, सबके आपको एक ना एक आउटलेट टी नगर में मिल ही जाएगा। आप जस्ट टी नगर में सर्च कीजिए किसी भी नाम का रेस्टोरेंट, आपको कहीं ना कहीं एक वो रेस्टोरेंट मिल जाएगा। इसके अलावा भी आप जब शॉपिंग कर रहे होते हैं रंगनाथन स्ट्रीट में या फिर कोई भी स्ट्रीट में, जो बड़े शॉपिंग बिल्डिंग्स होते हैं इनमें, इनके बेसमेंट में या फिर टॉप फ्लोर में एक कैफेटेरिया सा बना रहता है, तो अगर आप शॉपिंग करते करते आपको लंच करना है तो बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी डिसेंट नॉमिनल रेट में ये आपको अच्छा फूड वैरायटी प्रोवाइड करते हैं। अब इसके अलावा आप टी नगर में अगर है और आपको एक चाप ट्राई करना है नॉर्थ इंडियन स्टाइल में, तो ये आप चापीड वाले इस पर्टिकुलर स्टॉल में आ सकते हैं। इसका मैंने एक शॉर्ट भी बना रखा है, तो मेरे चैनल के जो शॉर्ट सेक्शन है वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। कहीं कहीं पर मैं जाता हूँ तो छोटा मोटा अगर आपको खाना वाने का अगर कोई वीडियो मैं बनाता हूँ तो उसे मैं शॉर्ट्स में डाल देता हूँ, तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। दिल्ली में और बाकी जगहों में भी खाने पीने के थोड़े बहुत आपको शॉर्ट्स मिल जाएंगे मेरे चैनल में। देन इसके बाद अगर मैं मैलापुर की बात करूँ, तो मैलापुर अगर आप टेम्पल वगैरह विजिट करने आते हैं तो आपको ये कालाथी रोज़ मिल्क शॉप मिल जाएगा। यहाँ पर आप रोज़ मिल्क ट्राई कर सकते हैं, ये काफ़ी पुराना 30-40 साल पुराना शॉप है। उसके बाद अगर आप मरीना बीच में हैं तो ये सुंदरी अक्का कड़े, ये एक शॉप है जहाँ पर आपको मील्स मिल जाता है, नॉन वेज मील्स मिल जाता है। साथ में इनके पास बहुत अच्छे सी फूड वाले साइड डिश भी रहते हैं, तो इन्हें भी आप ट्राई कर सकते हैं, ये काफ़ी फेमस है। किसी भी लोकल से अगर आप पूछते हैं कि सुंदरी अक्का कड़े किधर है तो आपको ईजिली गाइड कर देंगे। इसके बाद अगर आप सौ कारपेट वाला एरिया विजिट करते हैं तो ये एक मिनी राजस्थान या फिर मिनी गुजरात कह सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरे नॉर्थ इंडियन दुकान मिलेंगे, नॉर्थ इंडियन लोग मिलेंगे, ये पूरा एरिया ही नॉर्थ इंडिया लगेगा आपको। और यहाँ पर जो ये मिंट स्ट्रीट है, यहाँ पर आपको खाने पीने के बहुत अच्छे अच्छे शॉप मिल जाएंगे। जो मैंने पहले आपको स्वीट्स में काकादा राम प्रसाद बताया था, तो वो भी यहीं पर है। इसके बाद यहाँ पर आपको ये अनमोल लस्सी मिल जाएगा, ये भी बहुत पुराना और फेमस शॉप है यहाँ पर। देन इस अनमोल लस्सी के ऑपोजिट में एक ब्यूटीफुल जैन टेम्पल है, इसे भी आप विजिट कर सकते हैं। उसके बाद इस एरिया में आपको हर तरह के नॉर्थ इंडियन फूड, जैसे ये दावेली वाला, उसके बाद ये जय वड़ा पाव, देन ये प्रेम चाट, देन विजी चाट, कमल चाट, देन ये गुजराती समाज, जहाँ पर आपको एक गुजराती मील्स मिल जाएगा काफी अफोर्डेबल प्राइस में। आई थिंक 100-110 रुपए का इनका गुजराती थाली रहता है। तो इस तरीके से सौ कारपेट वाले एरिया में नॉट ओनली मिंट स्ट्रीट, अब पूरे सौ कारपेट वाले एरिया में आपको बहुत अच्छे अच्छे आपको चाट बोल लीजिए या फिर गुजरात में जैसे आपको सुबह शाम गाठिया, फाफड़ा और कचौड़ी, जलेबी, इस तरह के काफ़ी अच्छे छोटे बड़े शॉप्स मिल जाएंगे पूरे सौ कारपेट में। और यहाँ पर जो ये बीच स्टेशन है, बीच स्टेशन में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर ये एक अथो शॉप है। अथो एक यूनिक डिश है, आई थिंक ये बर्मीज कुजीन है, बट ये यहाँ पे काफ़ी फेमस शॉप है। तो अगर आप बीच स्टेशन के आसपास आते हैं या सौ कारपेट आते हैं और आपको अच्छा एक अथो ट्राई करना है, देन यू कैन विजिट दिस पर्टिकुलर शॉप। इसका भी जो एग्जैक्ट लोकेशन लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये चेन्नई बीच रेलवे स्टेशन के ऑपोजिट में जो GPO है, जनरल पोस्ट ऑफिस है, उसके आगे की गली में ही ये एक छोटा सा शॉप है। इसके बाद अगर मैं अन्ना नगर की बात करूँ तो अन्ना नगर वाले एरिया में भी आपको बहुत अच्छे अच्छे खाने पीने के ऑप्शन मिल जाएंगे। इसमें आपको कुछ थीम रेस्टोरेंट्स भी है, हॉन्टेड बोल के एक रेस्टोरेंट है अन्ना नगर टावर पार्क के आसपास। इसके अलावा भी और एक दो थीम रेस्टोरेंट है यहाँ अन्ना नगर में। इसके अलावा यहाँ पर अन्ना नगर में ये श्री साई कैफे आप विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आप एक कड़क चाय के साथ साथ हैदराबाद जैसे करारे, उस्मानिया बिस्किट्स वगैरह यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं अलग अलग वेराइटी के। इसके अलावा भी अन्ना नगर में मैं आपको अब एक एक करके क्या बताऊँ, यहाँ पर बहुत सारे होटल्स हैं, तो मैं यहाँ पर कुछ लिस्ट मेंशन कर देता हूँ, तो इन सब होटल्स को आप जस्ट सर्च कीजिए और इन्हें भी आप ट्राई कर लीजिए अगर आप अन्ना नगर वाले एरिया को विजिट करते हैं तो। और इसके बाद नाइट लाइफ की अगर बात करूँ तो अन्ना नगर वाले एरिया में आपको बहुत अच्छे डिसेंट कैटेगरी के बार्स वगैरह मिल जाएंगे, डांस फ्लोर वगैरह है, लाइव म्यूजिक वगैरह चलता रहता है। इसमें एक नाम है साइकिल गैप, देन यू हैव बाइक एंड बैरल्स, देन उसके बाद वेव बार एंड लॉन्ज है। उसके बाद अगर आप ECR रोड पे जाते हैं वहाँ पर हब बोल के एक रेस्टोरेंट पब है, तो ये भी काफ़ी फेमस है ECR में।
तो इस तरीके से ऑल ओवर चेन्नई ये कुछ रेस्ट्रो पब्स के लिस्ट है। सो यू कैन जस्ट विजिट दीज प्लेसेस ऑल्सो एंड एंजॉय नाइट लाइफ इन चेन्नई। अब इसके बाद अगर मैं एरिया स्पेसिफिक होटल्स की बात करूँ तो सेंट्रल वाले एरिया में अगर आप स्टे करते हैं तो सेंट्रल वाले एरिया में आपको ये नेशनल दरबार रेस्टोरेंट मिल जाएगा। ये काफी पुराना रेस्टोरेंट है, यहाँ आपको बहुत प्रीमियम कैटेगरी का एम्बियंस तो नहीं मिलेगा बट यहाँ का जो फूड है उसका टेस्ट एक नंबर का रहेगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। और अगर आप सेंट्रल से पास होते हुए जा रहे हैं और सेंट्रल में आपका ट्रेन मोस्टली 20 मिनट 30 मिनट तक हॉल्ट करता है, और ऐसा अगर आपको हॉल्ट मिलता है सेंट्रल में और आप यहाँ से खाना पैक कराना चाहते हैं तो चेन्नई सेंट्रल के अंदर ही आपको ये ए टू बी का एक ब्रांच मिल जाएगा, अडयार अनुभवन का एक ब्रांच मिल जाएगा। तो यहाँ से आप प्योर वेजिटेरियन अच्छा फूड अगर आप पैक कराना चाहते हैं तो पैक करा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास और थोड़ा ज़्यादा टाइम है और आप नॉर्थ इंडियन रोटी वगैरह सब्जी वगैरह आप पैक कराना चाहते हैं तो आप चेन्नई के स्टेशन से फटाफट बाहर अगर निकल जाते हैं तो इस पर्टिकुलर गली में अगर आप आ सकते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये विनय विहारी प्योर वेज रेस्टोरेंट। यहाँ आपको वो 60 रुपए में 4 रोटी सब्जी बढ़िया नॉर्थ इंडियन स्टाइल में आपको मिल सकता है। इसके अलावा 60 रुपए में आपको चावल भी मिल जाएंगे, देन पनीर ग्रेवी या राजमा ग्रेवी या कड़ी वगैरह भी ये रखते हैं कभी कभी, डिपेंड करता है डे टू डे। तो अगर आप इस तरीके का खाना पैक कराना चाहते हैं तो आप फटाफट स्टेशन से बाहर आ सकते हैं 11 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ से, अगर आपके पास लगभग 20 मिनट या आधा घंटे का टाइम है और आप फास्ट दौड़ के जाके लेके आ सकते हैं तो ही ये चीज़ें ट्राई कीजिए, अदरवाइज ये स्टंट आपको भारी पड़ सकता है। फिर तो बेटर होगा कि आप अडयार अनुभवन से ही खाना पैक करा लीजिए। और अगर आप सेंट्रल में स्टे करते हैं तो नेशनल दरबार वाले एरिया में जो पिरामिड वाला एरिया कहलाता है यहाँ पर आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे। अदरवाइज स्टेशन के अगर राइट साइड में अगर आप देखें तो ये जो जॉर्ज टाउन वाला एरिया है यहाँ पर ये वॉल्टेक्स रोड के साइड साइड में आपको बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट या फिर होटल्स मिल जाएंगे जिसमें आप बिरयानी ले लीजिए, प्योर वेज ले लीजिए, इस तरह के काफी अच्छे फूड ऑप्शंस आप देख सकते हैं। तो आई होप इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको ओवरऑल पूरे चेन्नई में प्योर वेज फूड ऑप्शंस कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, नॉन वेज फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स कहाँ कहाँ पर है, बारबेक्यू के ऑप्शंस कहाँ कहाँ पर है, नाइट लाइफ या रेस्ट्रो पब्स कहाँ कहाँ पर है, बेस्ट स्वीट के ऑप्शंस या फिर एक छोटे से छोटे शॉप में चाय और स्नैक्स के ऑप्शन कहाँ मिल सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में एक ओवरऑल आइडिया आपको आ गया होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे रेस्टोरेंट बहुत सारे होटल्स हैं, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो आप यहाँ के चेन्नई के जो लोकल फूड ब्लॉगर्स हैं उनके चैनल्स को विजिट कीजिए, उनके शॉर्ट्स को विजिट कीजिए, तो इससे भी आपको फूड ऑप्शंस के बारे में एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। प्लस मैंने भी कुछ शॉर्ट्स बना रखे हैं, उन्हें भी आप जाकर चेक कर सकते हैं, उनमें भी कुछ फूड ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। और इसके अलावा कोई और डिटेल चाहिए तो मैं हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ, प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। तो चलिए फिर ऑन दिस नोट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को यहाँ पर एंड। और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको कुछ फायदा हुआ हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर जल्दी मिलते हैं आपसे इसी पर्टिकुलर टूर सीरीज के एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय कीजिए और अपने जिंदगी के सफर में सफर करते रहिए। जय हिंद।